वेलकम टू ओमान। मारे थे मरदा। अच्छा एक्चुअली मैं अपनी भांजियों के लिए I mean मेरे मियाँ साहब की भांजियों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई हूँ। Assalamualaikum everyone, hope you all are doing great. Welcome back to खानजीन ओमान and welcome back to another vlog. जी तो ओमान लैंड होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे हम लोग गए थे कुछ ग्रॉसरी करने के लिए और घर का ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। वेलकम टू ओमान। और ये जी हमारी ओमान आने के बाद फर्स्ट ग्रॉसरी जारी सारी है। और ऊप्स ये स्लिप हो रही है जगह बहुत ज़्यादा। अगर कह रही थी स्लिप होती है जी, इसीलिए पकड़ के उसको आ रही हूँ। आपकी भी स्लिप हो रही है चप्पल। जी जी एग्जैक्टली और गर्मी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। हब्स है, बहुत ज़्यादा हब्स है भाई, बहुत ज़्यादा हब्स है। अब मैं नीचे उतरूँ। ओ ये ला जी, ये ना स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे पकड़ पकड़ के ना उतरना पड़ रहा है भाई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं पी मैं शूट करी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा थकी और अपसेट है अभी, यू नो ताज़ा आया ना। आ चुके हैं जी अब हम दूसरी जगह पर। पहले मैं घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें ले रही थी और अब हम करेंगे इंशाल्लाह ग्रॉसरी। ये ले लिया है जी मियाँ साहब ने ऑयल, और ये हम लिस्ट भी रेडी करके लाए हैं घर से जो जो हमने चीज़ें लेनी है इंशाल्लाह। एंड कैसे लग रहा है आपको बेगम के साथ 2 मंथ्स के बाद ग्रॉसरी करके? एब्सोल्युटली गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मोबाइल एक्चुअली घर है क्योंकि उसके ऊपर डाटा का पैकेज भी नहीं है और मियाँ साहब अब साथ हैं तो मुझे मोबाइल की टेंशन नहीं होती, वैसे जो सीधी सी बात है। लेट्स बाय सम अचार। ये तो ज़रूरी है ना। एग्जैक्टली लेडीज़ खाती हैं, हमारे पास ऐसे बशिंदे हैं माशाल्लाह से, वो लेडीज़ से भी ज़्यादा शौक से खाते हैं अचार। और ऐसे खाते हैं जैसे कसम से बूटियां खा रहे हैं यार। तौबा समझ के खाते हैं। शुगर एंड ये ब्रश सफाई के लिए, चीज़ें बेचारी ये लोक गई हैं। और अब हम जा रहे हैं दालें और मसाला जात लेने के लिए इंशाल्लाह। मेरे मियाँ साहब वैसे मेरे चैनल की रौनक हैं, जो ऑनेस्टली बात है, इनके बाद मेरे चैनल की रौनक है मेरा बेटा मोहम्मद ताहा। सो ये आ चुके हैं जी हम दालें सेक्टर लेने के लिए इंशाल्लाह। तूर, ये तो इधर दालों की भी वैरायटीज़ हैं भाई। ये आ गई थी दाल चना एंड मूंग मसूर की दाल इंशाल्लाह। मसर भी हो गए। अब बारी है जी मूंग मसूर की दाल लेने की। ये कौन सी है? मूंग की है, ये वाली ले लें। और जी नहीं वो नहीं, अभी कि लेनी है? अभी नहीं, चिकन स्टॉक्स याद रखिएगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मसूर की ये लगी हुई है, मसूर की दाल। ये मेरे कैमरे की आंख आपको बताएगी मसूर की दाल कहाँ पे है। और ये मैं लिस्ट में, ये आ गई जी लाल मिर्च का पाउडर एंड काली मिर्च साबुत, और हल्दी पाउडर भी हो गया जी, डंडन धनिया पाउडर, ज़ीरा, वो ज़ीरा पाउडर है ऊपर, एंड धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर जी, पिसावा कोरिएंडर पाउडर। किधर हो बाबा तुम? एग्जैक्टली वो आ गया। एंड मेरे खाने ना मुकम्मल होते हैं ज़ीरे के बगैर। ह्यूमन सीड्स, व्हाट एल्स वी नीड? नहीं साबुत अभी नहीं। इधर जी छांटी हो रहे हैं टमाटर। अंडे भी ले लें, मैंने कहा जी ब्रेड वगैरह भी ले लें सुबह नाश्ते के लिए। ये होता है जब आप आते हैं 1.5-2 महीने बाद, तो आपको A to Z ग्रॉसरी दोबारा करनी पड़ती है। चलें जी, चावल भी ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं चाट मसाला लेने, क्योंकि हम फूल पाल गए थे चाट मसाला। एक काफ़ी है अभी। वो गए हैं जी मेरे मियाँ साहब टैग लगवाने के लिए। यहाँ पे आप जो भी चीज़ लेते हो उस पर टैग लगवाना लाजमी है, जैसे मैं आपको पहले भी बताती हूँ। इसके बगैर मेरा गुजारा मुश्किल होता है, टैग के बगैर। अभी तक की ग्रॉसरी बस जी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अब हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और सफ़र की थकान भी नहीं उतरी और घर भी सारा सेट करने वाला है, क्यों मियां साहब? yes. बाकी थोड़ी देर बाद आएंगे या कल देखेंगे थोड़ी आहिस्ता। हाँ जी, क्योंकि पहले भी गए हुए थे हम लोग मॉल, मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा, और वहाँ से मैं घर की अपनी चीज़ें लेके आई हूँ थोड़ी सी, और ग्रॉसरी जो है यहाँ से है। ओए अब हम जाएंगे इंशाल्लाह नान लेने के लिए, क्योंकि मामा ने अपने प्यारे से बेटे के लिए बना के बेचे हैं जी बोंग पाए, अल्हम्दुलिल्लाह। बोंग खा के फिर मोटा है। कोई बानी फिर जिम जाके फिर पतले हो जाइएगा आप इंशाल्लाह। शाबाश बेटा। जाते जाते मुझे याद आया कि हम लोगों ने पिलो और वॉशरूम चप्पल्स तो ली नहीं है, तो दोबारा मैंने अपने मियाँ साहब को कहा कि चले वापस, और वाइपर्स भी रह गए थे और ये हमारे घर के रास्ते में ही पड़ता था, तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे वापस आ गए। पाकिस्तानी कसाई है ये देखें, ये हम वाइपर लेके आए हैं और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और उसके अलावा जी मौलाना मारे थे, मौलाना मर्दा। अच्छा। और उसके साथ मैंने ली है जी ये अपने घर के लिए चाय वाली स्टेनर, एंड ये हैंड वॉश के लिए मैंने पंप लिया ये, और हवा चल रही है। अब आया जो है मेरा उड़ रहा है फुल, एंड अब हम बैठे हैं जी गाड़ी में। गाड़ी में ये देखें मौलाना मारे, मौलाना। अच्छा जी ठीक है, चलें। है जी सामान, और मियाँ साहब लगा रहे हैं पार्किंग। मैंने कहा आपको थोड़ी सी बिल्डिंग दिखा दूँ, ये है जी हमारी बिल्डिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत साफ़ सुथरी बिल्डिंग है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इस बिल्डिंग का केयर टेकर है, एंड लैंडलॉर्ड भी बहुत नाइस बंदा है सीरियसली, और फुल कोऑपरेटिव है। सो अभी हम जाते हैं इंशाल्लाह ऊपर अपने फ्लैट में, और ये केयर टेकर का रूम है, और फ्लैट अभी कंप्लीट जो है मेरा सेट करने वाला है, क्योंकि मुझे अभी आए हुए 24 आवर्स ही हुए हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। ये सामान पकड़ के सारा ये आगे जी मेरे मियाँ साहब। इस बिल्डिंग में एक्चुअली हम लोग पहले भी रह के गए हैं, और लास्ट टाइम भी मैं इसी बिल्डिंग में ही घर जा रही थी, बट फ्लैट सारे ऑक्यूपाइड थे। तो लेट्स गेट इन। ये देखें जी, ओहो पसीने से बुरा हाल है आपका मियाँ साहब। और जैसे आप कहते हैं मेहनत किया ना, मेहनत ये इतना सारा सामान पकड़ के मेहनत किया हमने। हम एक्चुअली किस्तों में सामान लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम जो याद आ रहा है वो जो याद आ रहा है वो लेके आ रहे हैं। ये है जी हमारा फ्लैट, और पहले हमारा वो कॉर्नर फ्लैट था देखें। और घर की मेरी कोई हालत नहीं है, अभी मैंने सेटल डाउन नहीं किया। सो स्लोली स्लोली होता है काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी मैंने यहाँ पे बाज़ार लगा लिया है। ये एक्चुअली मैं अपनी भांजियों के लिए मेरे मियाँ साहब की भांजियों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई हूँ। डॉल्स हैं, बैग्स हैं, और ये कुछ ड्रेसेस हैं, और ये बेबी बॉय के कपड़े हैं। तो इनको इंशाल्लाह वो हैंड कैरी में लेके आई थी, उसमें पैक करती हूँ। और ये मेरे घर के हालात आप चेक कर लें। कुछ भी अभी सेटल डाउन नहीं हुआ। और ये हैं जी वो फ्लावर्स जो मेरे मियाँ साहब ने कल मुझे दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे मेरा वेलकम करने के लिए। वो जी मेरे मियाँ साहब बनवाने गए हैं शवारमे मेरे और अपने लिए, और यहाँ पे बैठ के इंशाल्लाह हम इंजॉय करेंगे अपना शौरमा। सुल्तान सेंटर में उन्होंने ये सिटिंग बनाई हुई है कि आप जो हैं यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ें, और आप यहाँ पे बैठ के इंजॉय भी कर सकते हैं। ये जी आ चुके हैं हमारे शवारमाज़, और हम इंजॉय करते हैं अपना शवारमा। और आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।